दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं आज आपको एक रिवीजन कराने वाला हूँ द मैन हू न्यू टू मच चैप्टर का, फिक्शन यूनिट 3। तो अपन स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें, जो जैसे कि जो प्राइवेट क्लंच है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो इंटेलिजेंट है, वो इंटरप्ट भी करता है जैसे टीचर पढ़ाते ना उनको। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आई फर्स्ट मेट विथ प्राइवेट क्लंच एट द ट्रेनिंग डिपॉट। जो नरेटर होता है वो प्राइवेट क्लंच से है ना ट्रेनिंग डिपॉट के ऊपर मिलता है पहले, सबसे पहले। तो वो है ना अपनी यूनिफॉर्म इक्विपमेंट सब लेके बैठा हुआ था, सब लेके आ रहा था। तो उसका नाम प्राइवेट क्लंच था, उसको प्रोफेसर भी बोलते थे, क्योंकि वो जो था ना वो एकदम पतला लीन था, थिंग था, स्टूपिंग था, इसलिए उसकी अपेरियंस की वजह से उसको ऐसा बोलते थे। तो जैसे ही कोई भी मतलब अपने सब्जेक्ट से लॉस्ट हो जाता था ना, तो उसे थोड़ी देर बात कर लेता तो वो अपने सब्जेक्ट में वापस आ जाता था। तो एक दिन सर्जन की क्लास में लो सर्जन पढ़ा रहे थे है ना, मजल वेलोसिटी के बारे में। वो बता रहे थे कि जो बुलेट होती है कि वो 2000 फीट पर सेकंड से ऊपर होती है उसकी स्पीड। तो बीच में से एक वॉइस इंटरप्ट करती है, वो होती है प्राइवेट क्वेल्च की। अब प्राइवेट क्वेल्च बोलता है 2440 फीट पर सेकंड। सर्जन बोलते कोई सर्जन उसको भूल जाते हैं उस थोड़ी सी देर के लिए और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। जब चैप्टर ख़त्म होता है तो वो कुछ क्वेश्चन देते हैं और बदला लेने के चाह में, तो वो क्वेश्चन देते हैं प्राइवेट क्वेंच को, पर उनसे कुछ ही नहीं होता है, उन क्वेश्चन से कुछ नहीं हो पाता है। प्राइवेट क्वेंच जो होता है वो बहुत होशियार होता है, वो उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता है, वो प्राइवेट क्वेंच की नॉलेज को बताना, बस प्राइवेट क्वेंच की नॉलेज को जानना। जो प्राइवेट क्लंच होता है वो टेक्निकल डेफिनेशन, राइफल के तरह तरह के पार्ट्स और उसकी केयर, वो सबको अपने हार्ट से रीड कर लेता है। तो सर्जन उसे पूछते हैं तुमने कभी ट्रेनिंग ली है, तो वो बोलता है नहीं, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। तो इंटेलिजेंट रीडिंग होती है वो एक रीडिंग होती है जो हार्ट से रीड करते, जैसे जो कभी पूरे हमेशा की जिंदगी भर के लिए अपन को रिमेम्बर रह सके। जब ये सब हुआ था जो नरेटर थे वो उसका इंट्रोडक्शन मिल गया था प्रोफेसर के बारे में। हम सोचते थे कि अब तो इसी को ही पक्का कमीशन मिल जाएगी। कमीशन वो होती है जैसे एक पद होता है कमीशन, उसको चाहिए थी प्राइवेट क्वेंच को, वो यानी प्रोफेसर को, उसका एम यही था। जो प्राइवेट क्वेंच होते हैं वो बहुत अपने एम्बिशन को पाने के लिए बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं। वो लोग अपने बड़े जो सीनियर होते या फिर इंस्ट्रक्टर होते उन सबसे ट्रेनिंग मैनुअल्स लेते और रात तक जाते थे, और वो है ना क्वेश्चन भी पूछते जो उन्हें समझ नहीं आता है इंस्ट्रक्टर से। जब उनमें से उनके प्राइवेट क्वेंच के दोस्तों में से कोई शोन करने की कोशिश करता तो वो जो प्रोफेसर थे वो आउट शोन कर देते उसको एकदम। एक बार की बात थी जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे तो उनने एक देखा कि एक प्लेन की आवाज़ आने लगी, तो वो सब सोच देखने लगे प्लेन का है। तो उस टाइम धूप हो रही थी तो उस कारण से वो देख नहीं पाए। तो जो प्रोफेसर थे वो बिना देखे बोलते कि ना ये जो है ना ऑफ कोर्स इट इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर एक ड्रोन है जो अमेरिकन्स यूज़ करते हैं। वो एकदम सही चले गया, उनका जो टुक्का नहीं था उनने अपने हार्श इंजन उसकी नॉइज़ की वजह से पहचान लिया उसको इंजन की। तो वो सब उसको देखने लगे। फिर आगे ये जो था वो टर्निंग पॉइंट था प्रोफेसर की लाइफ का। कॉर्पोरल टर्नबुल एक यंग मैन थे, उनके पास अपनी कंट्रोल पूरा ऊपर था, उनका कंट्रोल खुद के ऊपर पूरा
था और वो बहुत टफ थे। तो वो बता रहे थे कि आउटसाइड ऑफ द ग्रेनेड जो होता है वो है ना 44 से वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। तो एक वॉइस इंटरप्ट करती है 44, तो कॉर्पोरल टर्नबुल देखते हैं, वो देखते हैं किसने बोला ये। तो फिर प्रोफेसर बोलता है 44 सेगमेंट्स। तो फिर कॉर्पोरल कुछ ही नहीं कहते और वो आगे पढ़ने लगते हैं। तो फिर जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही पढ़ाना चाहिए। सो दोस्तों, अब हम अगला पार्ट जो है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।